उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हावड़ा में रोड शो कर रहे हैं। बेरियापुर में गंगारामपुर से कालीबाड़ी तक ये रोड शो, हावड़ा उत्तर में गुलमोहर ग्राउंड से सलकिया तक रोड शो, और इस रोड शो में भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है, बेहद भव्य रोड शो। और इस रोड शो की हर एक तस्वीर हिंदुस्तान आपको दिखा रहा है। रमन हमारे सहयोगी इस रोड शो में मौजूद है। रमन, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है इस वक्त वहां से? देखिए, लगातार ये डेढ़ घंटे से ज्यादा हो गए रोड शो लगातार यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं बेहद गर्मी और उमस है, लेकिन कार्यकर्ताओं के उत्साह पर कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। तो देख सकते हैं एक लंबा रोड शो की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। जय श्री राम के नारे हैं, और ठीक सामने आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ का कटआउट लिए सबसे पहले आगे कार्यकर्ता है, और उसके बाद बड़ी लंबी चौड़ी लाइन है कार्यकर्ताओं की, जो अलग अलग अंदाज में इस रोड शो का हिस्सा बनी है। और इन्हीं रंगों को आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये बहुत सारे बैंड हैं, ढोल हैं, जो लगातार बजे हुए आ रहे हैं। देखिए, बहुत एक लंबा रोड है, बहुत सारे बैंड, सुंदर एक और कार्यकर्ता है। बहुत ही दिलचस्प चीज एक आपको दिखा रहा हूँ, ये कार्ड देखिए, ये ऑल इंडिया मतुआ महासंघ का कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड, ऑल इंडिया मतुआ महासंघ मंडल दादा, यानी मतुआ समाज के जिस सपोर्ट की बात के लोग यहाँ पर कर रहे थे वो यहाँ पर है। ये दादा यहाँ ऑल इंडिया मतुआ महासंघ जुड़े, मतुआ किसके साथ है? ऑल इंडिया मतुआ महासंघ पर कौन कौन देते हमें 2021 तृणमूल पहले तो वो पश्चिम बंगला थे। बड़ो दीदी का आशीर्वाद किसको मिल रहा है इस बार? बड़ो दीदी का आशीर्वाद किसे मिल रहा है? तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये सारी तस्वीर कार्यकर्ताओं की है। बहुत थक गए आप डांस? तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ कि किस तरह से ये रोड शो बेहद अलग है। अभी बहुत सारे नगाड़े वाले थे, ये छोटी ये लड़कियाँ जो हैं ये जय श्री राम के नारे लगा रही थी, और ये बच्चे तस्वीरें ये देखिए, ये अगली बैंड पार्टी है जो आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये देखिए बोला कुछ, ये देखिए बहुत थके नहीं। देखिए योगी आदित्यनाथ ने अब माइक अपने हाथ में ले लिया है, और किस तरीके से यहाँ के चाहे वामपंथी यहाँ पर रहा हो संगठन, और चाहे यहाँ पर टीएमसी की बात हो, तमाम पार्टियों को घेरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ जाएंगे। काफिले की तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहे हूँ। भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है बीजेपी, इस बात का नारा दिया है। नितिन से कहूंगी जरा फॉलो करते रहे, नितिन आइए। परिवर्तन के लिए, परिवर्तन के लिए बंगाल की धरती तैयार है। परिवर्तन नितिन फॉलो मी। ममता दीदी अब तस्वीर देखिए भाजपा का विरोध करती थी, ये देखिए, लेकिन अब ममता दीदी को लगातार यहाँ पर निशाने पर लेते हुए साइड हुई। भाइयों हमारे यहाँ कहा गया है अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं, नितिन फॉलो करते रहिए। ठीक सामने वो मौजूद है, क्योंकि यहीं पर रोड शो का अंत होना है, रोड शो की समाप्ति होगी तो यहीं पर थोड़े से पेड़, छोटे से पेड़ के नीचे भैया साइड हो जाइए। यहाँ पर कांग्रेस मीडिया यहाँ के अराजकता में मदद करके तुष्टिकरण की भेंट चढ़ा दिया है। अब तक दो चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं, और मैं बंगाल की धरती से उन सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मतदान में भाग लिया। अब तक उठाने बताता है
भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से बंगाल के अंदर सरकार बनाने जा रही है। बंगाल की धरती जो परिवर्तन के लिए अंगड़ाई ले रही है, यहाँ पर परिवर्तन इसलिए भी आवश्यक है, ममता दीदी अब तक तो भाजपा का विरोध करती थी, लेकिन अब ममता दीदी भगवान राम का भी विरोध करने लगी है। जाके प्रिय राम वेदे ही तजिए ताही कोटि बैरी सब जद्दपि परम स्नेही, यानी जो राम का विरोधी है वो मां जानकी का विरोधी है, वह भले ही आपका कितना भी प्रिय क्यों न हो उसको एक महीने की तरह ही पूरी तरह त्याग देना चाहिए और देश के हित में बंगाल के हित में आवश्यक है इस रामद्रोही सरकार को, इस भ्रष्टाचारी सरकार को, गुंडागर्दी को प्रश्रय देने वाली टीएमसी सरकार को सत्ता से हटाकर बंगाल के अंदर बंगाल के महापुरुषों की भावनाओं के अनुरूप जिन्होंने बंगाल को सोनार बंगाल की परिकल्पना में साकार करने का एक संकल्प लिया था, उस संकल्प को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आप सब योगदान दें। आप इस भव्य रोड शो के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रदेश मंडल को अपना समर्थन और सहयोग देने का जो संकल्प दोहराया है, इसके लिए आपको हृदय से बधाई देता हूँ, आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं। तो लुबेरिया से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक भव्य रोड शो किया, उसकी तस्वीरें लगातार जी हिंदुस्तान आपको दिखा रहा है और इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप कितना उत्साह है वहां पर मौजूद तमाम लोगों में। इसको लेकर तैयारियां बहुत पहले से की गई थी। लक्ष्मी लगातार हमारे साथ वहां से बनी हुई है। जी लक्ष्मी, धन्यवाद धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ प्रचार करने आज पहुंचे आपके लिए, जनसलाब उमड़ा, इससे और क्या उम्मीद बढ़ जाती है और क्या मैसेज समझ आए? देखिए उलुबेरिया ऐसा एक शहर है जहां भय का माहौल रहा है, जहां यही उलुबेरिया शहर है जहां पे ट्रेनें जलाई गई थी एनआरसी के विरोध में, जहां रेल लाइनें पटरियां उखाड़ी गई थी, जहां स्टेशन जलाई गई थी, ट्रेनों पे पत्थर फेंके गए थे। ये कलंक हमारे सीने में है, ये अपवाद हमारे माथे में है, ये मुक्त कंडा चाहता है उलुबेरिया का साधारण जो आदमी है। आज ये जनसलाह, ये यहाँ के जो आदमी है उनका ये भय मुक्त उलुबेरिया तैयार करने के लिए दृढ़ संकल्प जो कर चुके हैं उसी का फसल है। ममता बनर्जी कहती है कि यूपी बिहार के गुंडे बुलाए जा रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर जो लोकप्रियता देखने को मिली, लोगों में उत्साह देखने को मिला, वो तो ये बता रहा है कि क्या परिवर्तन के लिए है। एकदम पूरे बंगाल में हम भारतीय जनता पार्टी की शासन ला रहे हैं और उलुबेरिया पूर्व में भारतीय जनता पार्टी बाहरी मतों से जीतेगी, यहाँ तृणमूल थर्ड पोजीशन में रहेगी। ये साधारण लोगों का सिद्धांत है जिसको बीजेपी सिर्फ सील मोहर दे रही है। देखिए बीजेपी की यहाँ पर मोहर लग रही है, 200 के पार जाएंगे। प्रत्युष मंडल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि अभी योगी आदित्यनाथ